तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग की, और वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम डिस्कस करेंगे कोड कंसेप्ट को। कोड कंसेप्ट क्या होता है? तो जैसे कि हम कोई कोडिंग करते हैं, तो कोडिंग है क्या, इसके बारे में चलिए हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। तो यहां पर आते हैं डेवलपर में और यहां पर विजुअल बेसिक पे आते हैं। तो यहां जब कोई माइक्रो हम बनाते हैं, कोई माइक्रो यहां पर ले लिया मैंने, और यहां पे अगर हम मान लीजिए कोई माइक्रो बनाते हैं, तो चार मेन ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि वर्क, वर्कबुक्स, दूसरा हमने बोला था आपको शीट्स, रेंज, और आपका आता है एप्लीकेशन। ये हमने लास्ट क्लास में बताया था ना आपको सर? जी जी, एप्लीकेशन जी। अब चलिए इसको वन बाय वन समझते हैं। एप्लीकेशन को फिलहाल छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा सा एडवांस है। हम आते हैं वर्कबुक। ठीक है, तो वर्कबुक में हम एक नई वर्कबुक ऐड करना चाहें तो कोड क्या होगा? उसका कोड होगा वर्क बुक्स डॉट बुक्स डॉट ऐड। ठीक है, वर्क बुक्स डॉट ऐड। अब उस वर्कबुक को जो ऐड किया है उसको हम सेव करना चाहते हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे सेव करने का कोड होता है। अगर कोई सेव करना चाहते हो तो कोड होता है वर्क बुक्स, और उसमें पर्टिकुलर उस फाइल का नेम कि बुक वन डॉट xlsx जो भी है डॉट सेव एज, और यहाँ पे हम पाथ देते हैं जैसे कि हमें डी ड्राइव के अंदर, मैं डमी बना रहा हूँ ठीक है ना, 3 फोल्डर में 1.xlsx। ठीक है जी। प्रॉब्लम है कि यहाँ जब नई फाइल हम ऐड करते हैं, अब यहाँ पे देखिए कोड डालते समय सिचुएशन में, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में एक ही वर्ड के कई मीनिंग होते हैं ना जी, और सिचुएशन के हिसाब से हम उसको समझते हैं, तो यहाँ इस सिचुएशन के हिसाब से कोड फिट नहीं होगा। क्यों? कि जब वर्कबुक ऐड होगा तो उसका बुक नेम जो है कुछ भी हो सकता है जी, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे हम देंगे एक्टिव वर्क बुक डॉट सेट, यहां पाथ और नेम सीमा है। एक्टिव वर्कबुक क्यों दिया? क्योंकि जो फाइल एक्टिवेट होगी वो तो पता ही हमें कि वो सेव करनी है, वो फाइल ओपन होगी वो एक्टिवेट होगी जी, इसलिए। लेकिन अगर पहले से पता है कि मुझे एक वर्कबुक ऐड करके उसका नाम देना है, तो डायरेक्ट हम यहां पे लिख देंगे कि वर्क बुक्स डॉट ऐड डॉट सेव। ओके, ठीक है सर जी। क्लियर है जी। तो सर ये नई वर्कबुक ऐड होगी ना इससे, तो यानी नया वर्कबुक, नई वर्कबुक क्रिएट होगी, क्रिएट होगा ना जी। तो फिर हम अभी जिस वर्कबुक में काम कर रहे हैं मॉड्यूल में, उसमें बस कंट्रोल एंड प्रेस करके नई फाइल निकाल देगा। अच्छा ठीक है जी। जी क्लियर। जब हम नई वर्कबुक ओपन करें तो हमें वर्कबुक को ओपन करना भी, क्रिएट किया हमने, हमें ओपन करना भी आना चाहिए जी। वर्कबुक्स
ओपन, और जिस लोकेशन से आप ओपन करना चाहते हैं वो आप डाल दीजिए। इसमें भी सर ओपन के बाद हम उसका नाम दे सकते हैं ना वर्कबुक का, जैसे बुक वन डाला उसे। नाम या जो भी ये नाम है ना सर, इसके जो भी नाम देना चाहते हो नाम दे सकते हैं। ठीक है, ओपन करते समय जब फाइल ओपन करेंगे तो नाम फिक्स होगा ना जी। अब हमने फाइल ओपन किया तो ओपन करने के बाद हम फाइल को सेव कर सकते हैं या जस्ट सेव करना है आपको। सेव एज करने कोड आपने देख लिया ना सर, एक्टिव कर दीजिए। अगर एक्टिव है तो नहीं, कोई पर्टिकुलर फाइल इसका नाम पता है तो इसको यूज कर सकते हैं जी। लेकिन मुझे फाइल को जस्ट सेव करना है तो अब एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव इसको ले सकते कि ठीक है जी, दोनों में से कोई ले सकते। इसमें दूसरा आता है, हमें कोई फाइल ओपन करने के बाद हमें उसको क्लोज भी तो करना है जी। वर्कबुक्स कर दीजिए या इसके अंदर में अपना फाइल का नाम जैसे कि one.xlsx जो भी एक्सटेंशन है डॉट जी या फिर एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज कर। ओके, एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज, क्लोज। क्लियर है जी। अब क्लोज करते समय आप जब कोई फाइल क्लोज करते हैं तो आपसे पूछता है डिवाइन टू सेव करके पूछता है, तो आपको एक कोड रन करते समय पूछेगा। तो यहां पे स्पेस देने पे यहां देखिए आएगा सेव चेंज, यहां पे मैंने ट्रू कर दिया, सेव पे क्लिक करना है ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है जी। अब हम फाइल को क्लोज करना सीख गए, हमने अभी फाइल क्या किया, फाइल को क्रिएट करना सीखा, फाइल को सेव और सेव एज करना सीखा, हमने फाइल को ओपन करना सीखा, हमने फाइल को क्लोज करना सीखा, राइट सर जी। अब हम फाइल के अंदर पासवर्ड लगाना सीखते हैं कि वर्क बुक्स या एक्टिव वर्क बुक ले लीजिए, एक्टिव वर्क बुक डॉट प्रोटेक्ट, कहीं भी गलती है क्योंकि जब भी कोई किस लिखेंगे ना तो स्मॉल लेटर में लिखे या कैपिटल लेटर में, टाइटल केस में ना लिखे सर। ठीक है, मैं बताता हूं, एक्टिव वर्कबुक डॉट प्रोटेक्ट, जैसे एंटर मारेंगे आपका टाइटल केस में ऑटोमेटिक चला जाएगा। ओके, इसमें ऑटोमेटिक चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। प्रोटेक्ट किया तो क्या करेगा, फाइल को रिव्यू के अंदर आपके सामने जो ये प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है इसको ट्रिगर करता है जी। ठीक है जी। अगर मुझे ओपनिंग पासवर्ड लगानी है तो एक्टिव वर्क बुक डॉट पासवर्ड, आप सोचेंगे कि इससे पहले हमने कहीं इक्वल साइन नहीं लगाया, बट यहां इक्वल साइन लगाया। कोड के बारे में बताता हूँ, ये आपका होता है मेंबर, ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका मेंबर। मेंबर मोस्टली दो तरह के होते हैं, पहला होता है आपका मेथड। तो मेथड में हमेशा स्पेस डालता है, प्रॉपर्टीज में इक्वल डालता है। ओके, आइडेंटिफाई, जब आप मेथड को जो स्पेस करेंगे एक्सप्रेशन आ जाता है ना सर जी। या दूसरा है कि जब आप लगा रहे थे ना यहाँ पे डॉट पी आर किए, तो ये देखिए इस पे ग्रीन कलर का बॉक्सेस है जी,
वो आपका मेथड है, जिसमें हैंड का निशान है वो आपका प्रॉपर्टी है। ओके ठीक है जी, क्लियर है जी सर। जी सर मेथड प्रॉपर्टी समझ गए जी सर। हम करते क्या है, एक फाइल में उस वर्कबुक को ऐड करते हैं, उसको हम सेव करते हैं, उसको सेव एज करते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, क्या जी प्रोटेक्ट करते हैं और पासवर्ड देते हैं। इसके बाद आता है एक फाइल से दूसरे फाइल पे जाएंगे कैसे, ऐड टाइप करते हैं ना जी, तो उसके लिए यहाँ पे होता है वर्क बुक्स, यहाँ पे दे दीजिए कि बुक वन डॉट एक्सेलस एक्स जो भी एक्सटेंशन है डॉट एक्टिवेट, ठीक है। या दूसरा होता है विंडोज, विंडोज और यहां पे बुक, इसके एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है डॉट एक्टिवेट। तो ये विंडोज क्या कर रहा है, विंडोज आपके जो व्यू के अंदर स्विच विंडो होता है ना जी, उसको ट्रिगर कर रहा है, ठीक है जी सर। ये समझ में आ गया आपको जी सर, डाउट इसमें नहीं सर। इस कोड को एक एक करके सिस्टम पे प्ले कीजिए, एक साथ प्ले नहीं होगा सर, एक एक कोड बनाइए और उसको प्ले कीजिए। ओके ठीक है जी सर, और उस कोड को समझिए। कल की क्लास में हम इसी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट करेंगे सर। ठीक है सर, ठीक है।